Walk all over you. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. स्टोरी के शुरुआत में हम लोग देखते हैं लोगन को, जो कि बहुत गुस्से में डेडपूल के पीछे भाग रहा है। मम्मी बचाओ मुझे, गुड्डा सटिया गया है। डेडपूल, नौटंकी की दुकान रुक, भाग तक है। ए बुढ़ाओ सटिया गया है क्या? बुढ़ा होगा तेरा बाप, रुक। तभी उन लोगों के ऊपर एक ट्रक आके गिर जाता है। डेडपूल। फिर कहां से एक टैंकर भी आके गिर जाता है और आग लग जाती है। अबे यार मेरी कमर, अरे गया गया। ओह डेडपूल, मैंने तुम्हें हजार बार मना किया कि मेरे रास्ते में मत आओ। मैं चुप रह रहे बुढ़ा हूँ, कितना पकाएगा। फिर एक प्लेन भी उनकी तरफ गिरने लगता है। ओए माँ, मम्मी। मैंने कहा था तुझसे डेडपूल के उन लोगों से पंगा ना ले। बहुत शौक था ना तुझे डबल डियर का, अब भुगत। दो दिन पहले न्यूयॉर्क सिटी, मेट्रो के अंदर एक बूढ़ी औरत किताब पढ़ रही थी। तभी मेट्रो में कुछ गुंडे आते हैं और उनकी किताब फेंक देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया बहुत पढ़ लिया तूने। आजकल के बच्चे है वो तमीज नहीं है किससे कैसे बात करते हैं। उनके बगल में बैठा हुआ एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आज कोई इन लोगों को एक थप्पड़ मारे, मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगी। पैसा? तभी हम देखते हैं कि वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाला आदमी डेडपूल था। पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा दोगी? जरा ठीक से बताओ यार, ऐसा थोड़ी होता है। उस तरह वो गुंडे एक आदमी का टैप छीन लेते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी कोई पीछे से पुकारता है, अरे ओ चपड़गंजू, क्या इस छोटे से टैप के पीछे पड़े हुए हो? मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत अच्छा कुछ है। देखो ना इस न्यूज़पेपर का प्रिंटिंग कितना अच्छा है, कितनी सच्ची और अच्छी कठोर बातें लिखी हुई है इसमें। ए बेवकूफ, पीछे हट। यार इन न्यूज़पेपर वालों का शब्द दिल में बहुत जोर से हिट करती है। देखो ना, देखो कितनी जोर से हिट करती है। डेडपूल उस गुंडे को न्यूज़पेपर के अंदर से एक जोरदार पंच मारता है। देखा, कहा था ना जोर से हिट करता है। पकड़ो उसे। अबे यार रुको एक मिनट, मुझे जरा मौसम का हाल पढ़ना है। लगता है मौसम बहुत गर्म है आज। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। तभी हम देखते हैं मैनहट्टन के आसमान में कैरियर उड़ रहा था। उनमें से एक एजेंट पूछता है कि क्या टारगेट मिल गया? क्या टारगेट मिल गया? हाँ सर, वो बिल्कुल नीचे है और बहुत तेजी से मूव कर रहा है। वो क्या है? एक म्यूटेंट है जिसे हम लोग को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर मिला है। उस पर नजर रखो और स्ट्राइक टीम अल्फा को रेडी रखो अटैक के लिए। उस तरफ डेडपूल उन बदमाशों को मेट्रो से बाहर निकाल देता है। बाहर ही रहना बेवकूफ। हाँ तो चाची, अब लेन देन की बात हो जाए। तभी डेडपूल को एक बूढ़ा आदमी धक्का देता है। अबे यार कौन है बूढ़ा? अबे वो चाची कहाँ गई? मेरा पैसा? डेडपूल पीछे घूम कर देखता है कि वो चाची चली गई थी। वो जल्दी से मेट्रो से बाहर आके उस बूढ़े आदमी को पुकारता है। अबे बूढ़ा रुक, तेरी वजह से मेरा पैसा चला गया। वो बूढ़ा आदमी जब घूमता है तो पता चलता है कि वो लोगन था। अबे थोड़ा धीरे भागो दद्दा, उम्र हो गई है तुम्हारी, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियां झेल नहीं पाएगी इतना तनाव। डेडपूल लोगन के पीछे जाता है। अरे ओ बुड्ढे उल्वारीन, मुझे पता है कि तुम्हारा पिछवाड़ा मेटल का बना हुआ है, लेकिन फिर भी धीरे भागो यार। डेडपूल उछल के लोगन के सामने आता है और कहता है, ओ दद्दा रुक भी जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हट जा मेरे सामने से बच्चे, मुझे बहुत जरूरी काम है। लोगन अपने क्लॉथ से उसकी तलवार काट देता है। अबे यार अब इस तलवार का पैसा कौन देगा? और बच्चा, अबे यार तू बच्चा किसको बोला बे? होल्ड ऑन डूड, हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरे पास तुम्हारी नौटंकियों के लिए वक्त नहीं है। अबे ओ मिस्टर कम वक्त वाले,
थोड़ी मेरी बात भी सुन लो। तुम्हारी वजह से मेरा 25 बक्स पैसा चला गया और इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, वरना कम से कम सॉरी तो बोल दे भाई। भाग जा यहाँ से। भगा के दिखा। लोगन गुस्सा हो जाता है, डेडपूल के ऊपर हमला कर देता है। डेडपूल, तू हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। डेडपूल लोगन के पेट में तलवार घुसा देता है और लोगन अपने क्लॉज से तलवार को काट देता है। अबे यार, दूसरा वाला भी तोड़ दिया। ठीक है, मैं नया खरीद लूंगा, लेकिन इसका कीमत तुम्हें अपने दर्द से देना होगा। इतना कहते ही डेडपूल अपने तलवार को लोगन के कंधे पे घुसा देता है। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तेरे मांस को पका के खा जाऊंगा। अरे ओ कसाई की दुकान, तुम मांस बहुत ज्यादा खाते हो, अब गोली खा। डेडपूल उछल के एक पेड़ पे चढ़ जाता है। कैसा लगा मेरा खाना? नमक मसाला ठीक था ना मांस में? उम्र होगी ना तुम्हारी, अगली बार पीस थोड़ा छोटा काटूंगा मांस का। कोई जरूरत नहीं बच्चे, मैं अपना चाकू अपने साथ रखता हूँ। क्या? और लोगन अपने क्लॉज से उस पेड़ को काट देता है। और हाँ, खाने के लिए शुक्रिया। अबे यार, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है विल्सन? तू भौंकता ज्यादा है, काटता कम है। देखा, मजाक में भी कर सकता हूँ। तभी पार्क में एक धमाका होता है और उस धमाके के बीच एक लड़की बैठी हुई थी। अब ये ब्यूटीफुल कौन है? तुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुकता है यार, तुम्हें लगता है तुम इस लड़की की मदद करोगे? छोड़ो भी यार बुढ़े बाबा, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हारे पहले मैं इस लड़की की मदद कर दूंगा और इसे इस नर्क से बाहर निकाल दूंगा। रुक जा बच्चे, तुझे एक और हाथ की जरूरत पड़ेगी, मेरी बात मान। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इस बुढ़े की बात मत सुनो बच्ची, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, दूर रहो मुझसे, मुझे अकेला छोड़ दो। अबे यार, ये तो भाग रही है। अरे रुको, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, मतलब मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। रुक जा बच्ची, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। इस बुढ़े को देख के डरो मत। देखो लोगन, तुमने उसको डरा दिया। ओए माँ, ये कहाँ से आ गया? तभी एक हॉट डॉग का स्टॉल उनके सामने गिर जाता है। डैम इट, डेडपूल को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्या? डैम इट डेडपूल, तुम बहुत बेवकूफ हो। व्हाट? क्या? मैंने क्या किया? लगता है उम्र के साथ साथ तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई है। व्हाट? तुमने कुछ सुना? क्या सुना? क्या कोई गाना बज रहा है क्या? जल्दी डेडपूल, उस लड़की के पीछे जाओ, मैं यहाँ संभालता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता लोगन, नहीं जा सकता। मजाक नहीं डेडपूल, जल्दी जाओ। अच्छा तो ठीक है, जाता हूँ। यकीन नहीं होता मैं बुढ़े लोगन को मिस करूंगा, मतलब जवान लोगन को। इतने में वहाँ पे वही कैरियर आ जाता है। तुम्हारा स्वागत है। तभी कैरियर से एक आवाज आता है, टारगेट मिल गया, पकड़ो उसे। तभी हम देखते हैं कि कैरियर से एक एजेंट की टीम निकलती है और दोबारा आवाज आता है कि हथियार को पकड़ो। तभी सारे एजेंट्स लोगन के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोग लोगन को पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस कैरियर से एक कमांडर उतरता है और कहता है, टीम बी टीम सी जल्दी बाकी को ढूंढो। फिर वो कमांडर लोगन को देख के बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हथियार कहाँ है? हाँ है ना मेरे पास हथियार, आओ दिखाता हूँ। तुम नहीं बेवकूफ, वो लड़की कहाँ है? थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का जवाब है वुल्वरीन, जो कि एडमेंटियम में जमा हुआ है। और सबसे पहले सही जवाब देने वाले 5 व्यूअर्स है। और आप लोगों ने देखा कि देता वुल्वरीन में वुल्वरीन मर चुका है, तो यहाँ पे लोगन कैसे आया? अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिए, इसकी वीडियो हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। जितना ज्यादा रिक्वेस्ट होगा उतना जल्दी अपलोड करेंगे। और आप लोगों के लिए एक और सवाल, स्टोरी के शुरुआत में लोगन डेडपूल को कहता है, मैंने कहा था तुझसे डेडपूल के उन लोगों से पंगा ना ले, बहुत शौक था ना तुझे डबल डियर का, अब भुगत। यहाँ पे लोगन किससे पंगा नहीं लेने की बात कर रहा है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट से बताइए।